Assalamu alaikum, good morning everyone, welcome to my channel. और कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे और खुश होंगे. तो आज है ट्यूसडे की मॉर्निंग है, तो आज मैं काफ़ी दिन के बाद, 4-5 दिन हो गए हैं तो मैंने अभी तक अपने सब न्यू सब्सक्राइबर के नाम नहीं लिए थे. तो आज एक छोटा सा ही एक वीडियो बना रही हूँ जिससे थोड़े से ही मैंने आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर दे ली हूँ और अपने फ्यू सब्सक्राइबर्स के नाम बता रही हूँ जो न्यू वन है. तो आपसे मैं काइंडली ये रिक्वेस्ट करना चाह रही थी कि मैं हर पॉसिबल कोशिश करती हूँ कि जो न्यू सब्सक्राइबर है उनका नाम ले सकूँ. तो क्योंकि जिन कुछ के नोटिफिकेशन नाम की आ जाती है और कुछ सब्सक्राइबर्स के नोटिफिकेशन के जो आते हैं तो नाम नहीं होते, बल्कि नोटिफिकेशन आती नहीं है जो न्यू सब्सक्राइबर होते हैं. और जिन जिन के नोटिफिकेशन में नाम आते हैं मैं उनके नाम ज़रूर लेती हूँ और किसी के आज ले लूँगी और या किसी के कल ले लूँगी, क्योंकि ऐसे 20 या 25 मैं जो फर्स्ट आए होते हैं उनको निकाल लेती हूँ और बाकी जो होते हैं नेक्स्ट मैं वो भी मैंने लिख के रख लिए होते हैं और नेक्स्ट टाइम भी मैं उनको उनका नाम ले लेती हूँ. लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपका किसी का नाम मैं नहीं ले पाती हूँ तो उसके लिए मैं बहुत सॉरी कहूँगी. उसकी फ्यू रीज़न्स हैं. एक तो पहली मैंने आपको बता दी कि उसकी नोटिफिकेशन नहीं आई होगी. दूसरी के सम टाइम आप मिसप्लेस हो जाता है, कोई नाम आपसे आगे पीछे हो जाता है, तो वो रीज़न हो सकती है. और अगर तो कोई अगर आपको वाकई आपका नाम मैंने नहीं लिया और आप चाहते कि मैं लूँ तो प्लीज़ काइंडली मुझे मेरी वीडियो में ही राइट डाउन करके कमेंट में लिख दिया करें तो मैं आपका नाम ज़रूर लूँगी इंशाल्लाह ताला. मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं होता कि मैं किसी का नाम जानबूझकर ना लूँ, क्योंकि मुझे आप सब भी उतने प्यारे हैं तो इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि सबका नाम ले लूँ. क्योंकि लास्ट मेरी वीडियो में बहुत ज़्यादा 4-5 लोगों ने कंप्लेन की थी कि आपने मेरा नाम नहीं लिया, हम न्यू सब्सक्राइबर हैं. तो उसकी रीज़न यही थी कि मुझे उनकी नोटिफिकेशन नहीं आई थी और आज मैं उनका नाम ले रही हूँ क्योंकि मैंने राइट डाउन कर लिया था, उन्होंने जो मुझे जिन्होंने मुझे अपने नाम बताए तो मैंने लिख लिए थे. तो आप ऐसा बिल्कुल ना सोचें कि मैं जानबूझ के ऐसे करती हूँ, तो ऐसे कोई मेरा मकसद नहीं होता. क्योंकि ये वीडियो इसीलिए मैंने ये न्यूज़ सेगमेंट इसीलिए टाइप शुरू किया कि मैं कोई भी ऐसे आई थिंक सो ऐसे कोई नहीं करता कि 2-4 दिन गुजरने के बाद अपने सब्सक्राइबर का नाम ले. तो मुझे अच्छा लगता है इसीलिए मैंने ये किया, तो इसलिए मुझे खुशी मिलती है. तो इसीलिए आप काइंडली जिस जिस का कोई नाम अगर कोई चाहता है तो मैं उसका नाम ज़रूर लूँगी, लेकिन मुझे उसको आपको कमेंट में लिख दीजिएगा क्योंकि आप लोगों की नोटिफिकेशन जिसकी आती है उसका नाम मैं ज़रूर बोलती हूँ. तो आज शुरू फिर करते हैं हम कल की वीडियो जो मैंने अपलोड किया है, नेचुरल होम रेमेडी फास्ट हेयर ग्रोथ एंड लेंथ. तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि बहुत से लोगों ने इसको लाइक किया और मुझे भी जब किसी ने बताया था तो मैंने उसको डेफिनेटली जब तक मैं उसको यूज़ नहीं करूँगी, कोई भी चीज़ आप कोई कुकिंग ले लें या कोई भी काम आप ले लें, जब तक आप उसको यूज़ करके प्रैक्टिकल तौर पर नहीं देखेंगे तब तक हम किसी को भी पता नहीं चल सकता कि ये आया ये वर्क करेगी कि नहीं. तो इसीलिए मैंने उसको 3rd time आज मैंने इस संडे को यूज़ किया था, तो मैंने इसीलिए आप लोगों से शेयर की कि मुझे लगा कि ये फ़ायदा देगी. और अगर आप भी ट्राई करेंगे तो आपको पता चलेगा, क्योंकि हर इंसान की अपनी स्किन है, अपनी उनकी उनको एक किसको उसका फ़ायदा मिलता है या किसको उसका नहीं फ़ायदा मिलता ये तो यूज़ करने के बाद ही पता चलेगा. तो मुझे लग रहा था कि ये इफ़ेक्टिव होगी तो मैंने इसीलिए शेयर किया है. तो आई होप कि आप अगर यूज़ करेंगे तो आपको पता चलेगा. मैं अपने प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर बहन भाइयों को फोर्स नहीं करती हूँ, अगर उनका दिल मानता है, उनको ऑनियन की स्मेल सूट करती है या उनको अच्छा लगता है उसकी फीलिंग, आप फील करके देखेंगे कि अगर आप लगाना चाहते हैं तो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप उसको देन ट्राई कीजिएगा. मैं आपको फोर्स नहीं करती, लेकिन मुझे लग रहा था कि इससे फ़ायदा होगा तो इसलिए मैंने ये शेयर किया आपके साथ. तो अब हम आते हैं अपने कमेंट्स की तरफ. तो मैं पेज ओपन कर लेती हूँ. हाँ जी, तो सबसे पहले हैं
आशी महमूद कहती हैं ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच आशी महमूद, आपको पसंद आया आप भी तब भी ट्राई कीजिएगा अगर आपका दिल माने। और इसके बाद हैं पाकिस्तानी मॉम हॉलैंड कहती हैं कि यस ऑनियन का पानी इज़ बेस्ट फॉर हेयर ग्रोथ। तो ये तो मैंने भी बहुत दफ़ा सुना है कि ऑनियन का पानी, अब वो ऑनियन वाइट है हो या रेड हो, जिसको जो सूट कर जाए, लेकिन देसी प्याज मैंने सुना है, ज़्यादा यही सुना है कि देसी प्याज जो होता है वो इफ़ेक्टिव है, काफ़ी फ़ायदा देता है। तो अब उसके अंदर हनी डाल जाए और ऑलिव ऑयल डाल जाए तो आई थिंक दोनों ही, आपको पता है हनी कितनी फ़ायदे वाली है और ऑलिव ऑयल भी, तो दोनों चीज़ें ही काम करेंगी। तो इसके बाद हैं फ़ातिमा सुहेल कहती हैं सलाम सिस्टर, वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं फ़ातिमा सुहेल आप, वेरी नाइस फ्लॉग, थैंक यू सो मच फ़ातिमा सुहेल। इसके बाद हैं सुल्तान शहबाज कहती हैं वेरी यूज़फुल हेयर टिप, थैंक यू सो मच। इसके बाद पाकिस्तानी मॉम ये कह रही हैं नाइस एंड आई एम न्यू सब्सक्राइबर, तो वेलकम टू माई चैनल पाकिस्तानी मॉम, ज़बरदस्त। रबिया खान कहती हैं ज़बरदस्त, तो थैंक यू सो मच रबिया खान। इसके बाद है रुबाब, रुबाब कहती हैं बेस्ट रेमेडी, तो थैंक यू सो मच रुबाब रुबाब। और पाकिस्तानी कैनेडियन मॉम है ये, आई थिंक लाफ कर रही हैं कि बहुत ज़्यादा खुशी में क्या इमोजी भेजा है इन्होंने, तो ऐसा कुछ इमोजी है जिसमें ये हंस रही हैं बहुत ज़्यादा, तो आई थिंक थैंक यू जो भी आपने लिखा है इसका मीनिंग, तो थैंक यू सो मच। और इसके बाद हैं सपना सिद्धू कहती हैं सलाम, वालेकुम सलाम सपना सिद्धू, तो कहती हैं कि नाइस व्लॉग, थैंक यू सो मच। इसके बाद हैं मदीहा इकबाल कहती हैं आप कैसी हैं आपी जी, मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और कह रही हैं वीडियो के बारे में कह रही हैं ज़बरदस्त, तो जजाकल्ला। बिलाल चौधरी कह रही हैं ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच। इसके बाद हैं फरहत शेख कहती हैं नाइस, मैं भी यूज़ करती हूँ, बहुत अच्छा है, ओके गुड, ये तो अच्छा है कि हमें कोई जो जो इसको यूज़ करते हैं वो भी प्लीज़ कमेंट करके बताएं, ताकि पता चले लोगों को कि इसका फ़ायदा किन किन को मिला है, और मुझे भी थोड़ा सा यही फीलिंग आएगी कि शायद मैं भी यूज़ कर रही तो इसका फ़ायदा होगा। तो थैंक यू सो मच फरहत शेख कि आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया हमसे। और इसके बाद हैं पाकिस्तानी मॉम इन यूके ऑफिशियल कहती हैं स्मेल से डर लग रहा है, वैसे रेमेडी तो बहुत ही हेल्पफुल हो, तो या मे बी स्मेल तो वाकई इसकी है, मैंने आपको अपनी वीडियो में पहले ही बता दिया था कि इसकी स्मेल होती है, क्योंकि ऑनियन की स्मेल आपको पता है अच्छी भली होती है काफ़ी ज़्यादा, तो वो निकालने पे 2-3 दफ़ा शैम्पू करना पड़ेगा आपको, देन निकलेगी। तो इसके बाद हैं पाकिस्तानी मॉम व्लॉग इन यूके, यूके कहती हैं टिप तो अच्छी है बट स्मेल इज़ किलिंग, या डेफिनेटली स्मेल तो है इसकी। और इसके बाद हैं पाकिस्तानी यूट्यूबर इन बहरीन कह रही हैं कि वेरी नाइस डियर बट यू कैन यूज़ अ मास्क एज वेल आई एम यूजिंग सिंस केम हेयर इन मिडल ईस्ट, तो इन्होंने बताया योगर्ट एग वाइट और हनी और ऑलिव ऑयल, दिस इज़ बेस्ट ऑफ हेयर ग्रोथ एंड हेयर फॉल, तो जी डेफिनेटली मैं ये ट्राई करूँगी, ये वाली मेरी ख़त्म हो ले जो मैंने शुरू किया हुआ, तो इसके बाद मैं ये वाला भी टिप ज़रूर ट्राई करूँगी। तो थैंक यू सो मच पाकिस्तानी यूट्यूबर इन बहरीन। इसके बाद हैं पाकिस्तानी मॉम एंड बी ये कहती है नाइस, थैंक यू सो मच। इसके बाद हैं साइका वसीम कहती है नाइस व्लॉग, थैंक यू सो मच साइका वसीम। इसके बाद है पाकिस्तानी मॉम इन बैंकॉक कहती हैं इट्स एन अमेजिंग रेमेडी फॉर द हेयर एंड वर्क रियली वेल, डोंट लाइक द स्मेल थो, तो थैंक यू सो मच कि आपको अच्छी लगी पाकिस्तानी मॉम इन बैंकॉक। इसके बाद है हूर आलम कहती हैं ग्रेट, थैंक यू सो मच। इसके बाद है लड्डू जी कहती हैं कि कोई कहता है कि वाइट ऑनियन यूज़ करें और कोई रेड कहता है, मैंने वाइट ऑनियन यूज़ किया था तो वो मुझे फ़ायदा दिया था उसने, तो जी श्योर मैं, मुझे किसी ने रेड ऑनियन बताया था तो मैं रेड ऑनियन यूज़ कर रही हूँ, तो अगर आपको वाइट ऑनियन से फ़ायदा मिला है आप वाइट ऑनियन यूज़ करें, तो आप प्लीज़ अपनी भी वाइट ऑनियन के साथ आपने क्या चीज़ें डाली थी ये भी शेयर कीजिएगा। हमारा व्लॉग बनाने का, वीडियो बनाने का मकसद यही है मेरा कि आप अपने एक्सपीरियंस शेयर करें और मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं, तो काइंडली प्लीज़ आप भी शेयर कीजिएगा। इसके बाद हैं
इसके बाद है नाइस, हुसैन हनी कहती है नाइस बट कितने परसेंट कंफर्म है कि हेयर की ग्रोथ एंड लेंथ बहुत अच्छी होगी। तो हुसैन हनी वेलकम टू माय चैनल। तो ये है कि मुझे परसेंटेज बिल्कुल भी नहीं पता, मैं बिल्कुल आपको सही बता रही हूँ कि परसेंटेज डेफिनेटली मैंने आपको बताया कि मैं अभी थर्ड टाइम यूज़ किया मैंने, और इन्होंने जिसने भी मुझे बताया था उसने 7 टाइम मुझे कहा था कि 7 वीक आपने यूज़ करना है। तो अभी मैं कंफर्म कुछ भी नहीं कह सकती हूँ कि कितने परसेंट आपको फ़र्क पड़ेगा, तो लेकिन मुझे लगता है कि ये इफेक्टिव होगी रेमेडी, क्योंकि जो बाल थे गिरना वो मेरे कम हो गए हैं। तो इसके बाद है होम ऑफ फ्लेवर, ये कह रही हैं वेरी नाइस वीडियो, विल श्योरली ट्राई इट, थैंक्स फॉर शेयरिंग। तो थैंक यू सो मच होम ऑफ फ्लेवर कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी। और इसके बाद हैं एक लास्ट कमेंट है जो मैं पढ़ना चाहूँगी ज़रूर, कि पाकिस्तानी मॉम व्लॉग इन यूके यूके कह रही हैं कि 'बी प्रिपेयर फॉर लॉन्ग टर्म हेडेक। तो ऐसी कोई बात नहीं है हेडेक का, मुझे नहीं लगता कोई इशू है, क्योंकि मुझे खुद बहुत सवेयर हेडेक है, होती है आम रूटीन में, लेकिन इस रेमेडी को यूज़ करके बिल्कुल भी नहीं हुई है। लेकिन पता नहीं अब इनको इनको अगर इससे हुई है या इनका एक्सपीरियंस है, तो फिर काइंडली आप सब भी अगर फर्स्ट टाइम यूज़ करने के बाद किसी को हेडेक होती है तो फिर वो नेक्स्ट टाइम यूज़ ना करें, लेकिन मुझे बिल्कुल भी नहीं हुई है। और अब हम आते हैं अपने प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर जो न्यू वन है उनका नाम मैं लूँगी। तो जनाब सबसे पहले हैं हीरा उस्मान, अज़रा हतून, सैयद सादुल्ला, इनका अकाउंट सैयद सादुल्ला का अकाउंट सैयद सादुल्ला के नाम से है, लेकिन इनका जो जो मुझे कमेंट करती हैं उनका नाम है मुफीदा। तो इन्होंने मुझे बताया था अपना कमेंट में लिख के, इसलिए मुझे ज़्यादा डिटेल से पता है कि ये कमेंट मुफीदा के नाम से करती हैं, और लेकिन इनका अकाउंट सैयद सईदुल्ला से है। इसके बाद है नफीना असलम, शहीन अली, BSHD3, सदफ हसन, असमा मंजूर और चीकू, समीना हुरम, मोहम्मद निसार, अश्विनी सोफिया, सा बॉन्ड, बिनिश नईम। तो आप सबको वेलकम टू माय चैनल, थैंक यू सो मच कि आप सब ने मुझे सब्सक्राइब किया। इसके बाद हैं हिना फातिमा, हमीदा शेख, अरेबियन प्रिंस हैं, नायला हसन हैं, बिनिश वसीम है, राज बंगा, NH05519, रशीदा रज़ा, सैम अली, अबीर असगर, असन रॉय, हुमा फजल 55, पाक यूट्यूबर्स, AH, मोहम्मद अल मज़रोई, आयशा रज़ा। तो आप सबको वेलकम टू माय चैनल, थैंक यू सो मच कि आपने मुझे सब्सक्राइब किया, और प्लीज़ आप मुझे वॉच भी कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मैं क्या अच्छा कर रही हूँ और क्या मेरे से मिस्टेक हो रही है। तो इसके बाद हैं शबाना हान, सिदराज किचन, शैला रूही, अमीरा हुसैन, आलिया राव, अनम जहरा, ब्यूटी टिप्स, जवादुल हक, वसीम उद्दीन, मोहम्मद उसामा और नगीन बिल्ली आई थिंक जी, हीर रांझा, अयाज सुहाग, ये हीर रांझा तो बहुत ज़बरदस्त नाम है, अयान सुहाग और रिफ्लेक्शन फिल्म्स। और ये थे मेरे प्यारे प्यारे सारे सब्सक्राइबर न्यू वन, और जिनका नाम मैं आज नहीं लिया उनका इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं लूँगी। और अगर मैंने किसी का नाम थोड़ा सा गलत ले लिया हो तो प्लीज़ मुझे काइंडली बताइएगा, और सॉरी कि अगर मैंने किसी का नाम थोड़ा सा गलत प्रोनाउंस कर दिया है।
क्योंकि मैंने अपनी तरफ से कोशिश किया कि बेटर वे से प्रोनाउंस करूँ, लेकिन इसके अगर फिर भी हुआ है कोई गलत तो उसके लिए माजरत। तो आज का वीडियो मैं अब बंद कर रही हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। अल्लाह हाफिज़।